जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं पशुपति व्रत कैसे करें, जानेंगे पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव त्रिवेद में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है कि भक्ति चाहे तो भक्ति भाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यही वजह है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर चाहे कोई भी मुसीबत आन पड़ी हो, मगर महादेव के आगे वह क्षण भर नहीं ठहर सकती। इसीलिए तो भक्त महादेव को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार रहते हैं, ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। मगर क्या आप यह जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रखा जाता है, जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा हो जाती है भक्तों पर। यही कारण है कि यह व्रत भक्तों के बीच इतना लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन हर व्रत की तरह इस तरह के नियम भी अलग हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। पशुपतिनाथ व्रत करने का महत्व, यूं तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती है, मगर जब भक्तों पर कोई इच्छा पूरी होती हुई नजर ना आए, तब वह महादेव के इस पावन व्रत को करने का आशीष पा सकते हैं। कहते हैं कि भक्तों के जीवन में कोई भी दुविधा इस व्रत को करने से दूर हो जाती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से महादेव का यह व्रत करे तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत करने के नियम के बारे में। वैसे तो हर व्रत के अपने नियम विधि होते हैं, मगर महादेव के इस लोकप्रिय पशुपतिनाथ व्रत की बात ही कुछ अलग है। और पशुपति व्रत के भी कुछ नियम है विधि, जिनका पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। इसलिए व्रत करने से पहले भक्तों को इस व्रत के नियम जान लेना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि इस व्रत को करते वक्त भगवान शिव को 5 दिए जलाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पंच यानी 5 दिए जलाए जाते हैं। दोस्तों, पशुपति व्रत को आरंभ करने के साथ 5 सोमवार तक करने का नियम है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजन करना, अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में ले जाने वाली थाली में आप रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र, प्रसाद रख ले जा सकते हैं भोलेनाथ के अर्पित करने के लिए। अब हम जानने वाले हैं दोस्तों पशुपति व्रत करने की विधि। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करने की सोच रहे हैं तो इस व्रत को करने की विधि आपको पता होनी चाहिए, जो हम आपकी सहायता के लिए बता रहे हैं। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यह व्रत आप केवल उद्यापन के पश्चात ही बंद करा सकते हैं। पशुपति व्रत करने की विधि में सबसे पहली चीज जो शामिल है वह पूजा की विधि, जिसमें सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाते वक्त आप एक पूजा की थाली और कलश ले लें। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र, पंचामृत इत्यादि लेते जाएं। वही कलश में आप जल लेकर जाएं भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। अभिषेक करने के पश्चात आप भोग लगाकर दिया जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार ले सकते हैं। शाम के पहर में पुनः आप वही थाली लेकर मंदिर में जाएं, मगर आप घर में भोग के लिए कुछ मीठा अवश्य बना लीजिए। इसके अलावा 6 दिए जरूर ले जाएं। मंदिर में पूजा करते वक्त 6 में से 5 दिए जलाएं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं कहें। घर में बना हुआ भोग मंदिर में चढ़ाएं, मगर ध्यान रखें दोस्तों कि इस भोग को केवल 2/3 का हिस्सा ही मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 हिस्सा वापस घर ले आए। वही 1 दिया वापस घर लेकर आए बिना जलाए हुए। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले वह 1 दिया द्वार पर जलाकर भोलेनाथ का स्मरण करें और अपनी मनोकामनाएं मांगे दोस्तों।
उसके पश्चात घर में प्रवेश करें। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत में क्या खाना चाहिए। व्रत करने के दौरान आप सुबह पूजन के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा पूजन के पश्चात आप जो मंदिर में एक तिहाई हिस्सा भोग का लेकर आए वह पहले खुद खाएं, उसके बाद वह प्रसाद परिवार के अन्य सदस्य को खिलाएं। इसके बाद अपना भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत की कथा भी सुन लेते हैं। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना वेश बदल कर एक चिकारे का रूप लेकर निद्रा में बैठे थे। तभी वहां सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए आ पहुंचे। वह सब उन्हें वापस ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तभी चिकारे ने नदी के उस पार छलांग लगा दी। इस छलांग से चिकारे का सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। तभी से वहां पशुपतिनाथ चतुर्मुखी लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे दोस्तों। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना की जाने लगी। चलिए दोस्तों, तो बता देती हूँ मैं आपके लिए पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं। व्रत के आरंभ की तरह ही पशुपतिनाथ का व्रत का उद्यापन भी अहम माना जाता है। जब आपके पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार पूरे हो जाएं, तब आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको 6 सोमवार को कोई भी वस्तु को 108 की मात्रा में भोलेनाथ को शाम को मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। यह वस्तु चावल, मखाना, मूंग, बेलपत्र इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा भोलेनाथ को नारियल दक्षिणा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री महाकाल।